अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम बेसिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ली ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बेसिक रिप्रेजेंटेशंस हैं ली ग्रुप्स की वो क्या हैं, उनको आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास फेथफुल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके बाद अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है और यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनको आज हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक जो हमारे पास डेफिनेशंस है इससे हम स्टार्ट करते हैं। राइट, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ली ग्रुप्स, राइट, बेसिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ली ग्रुप्स। राइट, इसमें हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन डेफिनेशन, लेट जी बी एफ मैट्रिक्स ली ग्रुप, जी हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स ली ग्रुप है, देन अ फाइनाइट डिमेंशनल कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी इज अ ली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये हमारे पास क्या एक ली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। कहां से हमने मैप ले ली कैपिटल पाई जो कि जी से जी एल, जी एल क्या जनरल लीनियर ग्रुप एन ओवर सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, या फिर मोर जनरली क्या ली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म समाल पाई फ्रॉम जी से जी एल जनरल लीनियर ओवर, क्या हमारे पास एक फाइनाइट डिमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है और इसकी डायमेंशन जो है वो वन या वन से ग्रेटर होनी चाहिए, विद डिमेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। राइट, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हाई डिमेंशन रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी इज अलजेब्रा होमोमॉर्फिज्म कैपिटल पाई ऑफ जी इंटू जनरल लीनियर ग्रुप ओवर एन ओवर आर, ठीक है, रियल नंबर, या फिर इसको हम जी एल ओवर वी, वेयर वी जो फाइनाइट डिमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। इसी तरह अगर वो कह रहा है कि इफ जी जो है हमारे पास स्मॉल जो जी है ये लियल जबरा, ये हमारे पास क्या एक रियल और कम्प्लेक्स लियल जबरा है, देन द फाइनाइट डिमेंशनल कम्प्लेक्स अलजेब्रा की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे जी, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास एक लियल जबरा होमोमॉर्फिज्म स्मॉल पाई ऑफ जी इंटू जनरल लीनियर एन ओवर सी आ जाएगा ओवर वी, वेयर वी इज द फाइनाइट डिमेंशनल कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। इसी तरह अगर हम ये जो हमारे पास यहाँ कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन की बात की है, अगर हम यहाँ पर रियल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा, वी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा फाइनाइट डिमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस में चला जाएगा। राइट, तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन यही चीज़ होगी। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड थी, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, इफ पाई कैपिटल पाई और स्मॉल पाई इज वन टू वन होमोमॉर्फिज्म देन रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होगी। राइट, अब इसके बाद नेक्स्ट, लेट कैपिटल पाई बी अ फाइनाइट डिमेंशनल रियल और कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ली ग्रुप जी, पाई कैपिटल पाई क्या है एक फाइनाइट डिमेंशनल कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है रियल भी हो सकती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ली ग्रुप एक्टिंग ऑन अ स्पेस वी, किस पर एक्ट कर रही है वेक्टर स्पेस वी के ऊपर एक्ट कर रही है, अ सबस्पेस डब्ल्यू ऑफ वी इज कॉल्ड इनवेरिएंट, एक हम सबस्पेस ले रहे हैं कि इसकी वी की वो इनवेरिएंट उसको कहेंगे अगर उसके अंदर कैपिटल पाई ऑफ ए इंटू समॉल डब्ल्यू बिलोंग टू कैपिटल डब्ल्यू फॉर ऑल समॉल डब्ल्यू बिलोंग टू कैपिटल डब्ल्यू एंड ए बिलोंग टू जी, जी हमारे पास क्या है मैट्रिक्स ली ग्रुप है, एन इनवेरिएंट सबस्पेस समॉल डब्ल्यू इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल इफ कैपिटल डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू वी, ये हमारे पास क्या है नॉन ट्रिवियल होगी अगर वो नॉन जीरो होने चाहिए और v के इक्वल नहीं होना चाहिए, अ रिप्रेजेंटेशन विद नो नॉन ट्रिवियल इनवेरिएंट सबस्पेस इज कॉल्ड अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसे किसे कहेंगे अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का नाम देंगे, यानी कि ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसके पास नो नॉन ट्रिवियल इनवेरिएंट सबस्पेस हो, राइट, उसको किसका नाम देंगे अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। राइट, तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट हमारे पास, जी बी ए मैट्रिक्स ली ग्रुप, जी हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स ली ग्रुप है, लेट कैपिटल पाई बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी एक्टिंग ऑन वी, वी हमारे पास वेक्टर स्पेस है, लेट कर लेते हैं कि
हम मेशन जो है हम सम मेशन का साइन लेकर चल रहे हैं सम बी आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी एक्टिंग ऑन द स्पेस डब्ल्यू, ये डब्ल्यू पर एक्ट कर रहे हैं। अ लीनियर मैप फाइव फ्रॉम वी से डब्ल्यू इज कॉल्ड इंटरट्विंग मैप ई ऑफ रिप्रेजेंटेशन इफ पाई इंटू कैपिटल पाई ऑफ ए इंटू वी इज इक्वल टू सम सिग्मा ए फाई ऑफ वी फॉर ऑल ए बिलोंग टू वी, ए बिलोंग टू जी और वी बिलोंग टू कैपिटल वी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है इंटरविंग मैप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इस मैप को आगे हम यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी डिफाइंस द इंटरविंग मैप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ली अलजेब्रा, राइट। अब इसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पर इफ फाई इज एन इंटर, यानी बेसिकली ये मैप जो हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ली अलजेब्रा के लिए हम ये बेसिकली ये मैप हम यूज़ करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बात की जा रही, इफ़ फाई इज़ एन इंटरविंग मैप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एंड एडिशन फाई इज़ इन्वर्टिबल, अगर हमारे पास फाई जो है मैप जो है इंटरविंग मैप्स है और उसके बाद वो इन्वर्टिबल भी है, तो देन वो क्या कहता है, फाई इज सेट टू बी इक्विलेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। फाई क्या होगी, इक्विलेंस रिप्रेजेंटेशन होगी। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट बात कर रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन द वी एंड डब्ल्यू, अगर v और w के दरमियान में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है तो देन रिप्रेजेंटेशन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, तो देन हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशंस होगी उनको हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंट कहेंगे। वो हमारे पास दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी अगर उनके दरमियान में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास कहा जा रहा है लेट जी बी अ मैट्रिक्स ली ग्रुप। जी हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स ली ग्रुप है विद ली अलजेब्रा स्मॉल जी, उसका जो ली अलजेब्रा है वो स्मॉल जी है, कैपिटल पाई बी अ फाइनाइट डिमेंशन रियल और कम्प्लेक्स ऑफ जी एक्टिंग ऑन वी, देन देयर इज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल पाई ऑफ जी एक्टिंग ऑन द सेम स्पेस वी सच दैट कैपिटल पाई into e power x is equal to e power small pi of x for all small x capital x belong to small g. The representation small pi can be computed as small pi x is equal to d or dt capital pi e power tx and t is equal to 0 and satisfy the condition small pi is into a capital A x a power minus and a inverse is equal to pi capital pi a small pi of x capital pi a whole inverse for all sum capital x belong to small g capital a belong to g, right। to ye student capital g, to ye student hamare paas aa ja raha hai ki g hamare paas kya ek matrix lie group hai aur uske sath humne ek lie algebra le liya pi jo ki act kar raha hai kiske upar vector space v ke upar act kar raha hai, to wahan par hamare paas ek unique रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, वो हमारे पास क्या होगी पाई होगी जो कि जी की होगी और वो उसी स्पेस पर एक्ट कर रही होगी जो हमने स्पेस डिफाइन की है वी सच दैट को उसके अंदर ये पाई जो है ये इसके अंदर ये मैप जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी कि हमारे पास कैपिटल पाई ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर स्मॉल पाई एक्स फॉर ऑल कैपिटल एक्स बिलोंग टू जी। द रिप्रेजेंटेशन स्मॉल पाई इसको हम इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, स्मॉल पाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी टी कैपिटल पाई ई पावर टी एक्स at t is equal to 0 and satisfy this condition, ye condition jo satisfy hogi a x a inverse is equal to capital pi a small pi x capital pi a inverse for all x belong to g and small capital a belong to g, right। to ye student hamare paas isse related proposition thi। ab iske baad next dekhte hain wo kya aa ja raha hai, let capital g be a connected matrix lie group with lie algebra small g, let capital pi be a representation of g and small pi is associated representation of g, राइट। यानी जो कैपिटल पाई है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल जी के लिए मैट्रिक्स ली ग्रुप्स के लिए, और जो स्मॉल पाई है वो रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ली अलजेब्रा की, जो हमें क्रॉसपॉन्डेंट टू ली मैट्रिक्स ली ग्रुप्स के क्रॉसपॉन्डेंट हमें ली अलजेब्रा उसके क्रॉसपॉन्डेंट हमने रिप्रेजेंटेशन ले ली वो क्या है स्मॉल पाई। देन कैपिटल पाई इज अनरिड्यूसिबल, कैपिटल पाई जो है वो अनरिड्यूसिबल होगी इफ स्मॉल पाई इज अनरिड्यूसिबल, कि उसके जो स्मॉल पाई जो है वो अनरिड्यूसिबल। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो मेन चीज़ इसमें बताई जा रही है वो ये कही जा रही है कि अगर ली अलजेब्रा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो अनरिड्यूसिबल है
तो उसकी जो कैपिटल पाई है यानी उसका जो ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी। इसी तरह अगर हमारे पास ग्रुप की, अगर ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन जो है वो अनरिड्यूसिबल है तो उसके क्रॉसपॉन्डेंस जो ली अलजेब्रा होगा उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, अनरिड्यूसिबल होगी। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर ये कहा जा रहा है स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में क्या है कि लेट जी बी अ कनेक्टेड मैट्रिक्स ली ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, एक कनेक्टेड मैट्रिक्स ली ग्रुप है। कैपिटल पाई वन एंड पाई टू बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल पाई वन और कैपिटल पाई टू जो है वो दो रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल जी की। एंड लेट स्मॉल पाई वन एंड स्मॉल पाई टू बी द एसोसिएटेड अलजेब्रा रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास जो स्मॉल पाई वन और स्मॉल पाई टू है ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ली अलजेब्रा की, जो हमें क्रॉसपॉन्डेंट टू ली ग्रुप्स के जो हमने लिए उनके क्रॉसपॉन्डेंस जो हमें ली अलजेब्रा मिला है उसके क्रॉसपॉन्डेंस हमने मैप डिफाइन की है, राइट। तो वो हमारे पास है स्मॉल पाई वन स्मॉल पाई टू बी द एसोसिएटेड ली अलजेब्रा रिप्रेजेंटेशन। देन स्मॉल पाई वन एंड स्मॉल पाई टू आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ कैपिटल पाई वन एंड कैपिटल पाई टू आर इक्विवेलेंट। इट मीन्स दैट इसमें क्या कहा जा रहा है सेकंड पार्ट में कि अगर जी हमारे पास एक मैट्रिक्स ली ग्रुप है, जी हमारे पास क्या है मैट्रिक्स ली ग्रुप है और उसके कैपिटल पाई वन और दो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है उस ग्रुप्स की और उसके क्रॉसपॉन्डर्स हमें दो रिप्रेजेंटेशन हैं किसकी, ली अलजेब्रा की। अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अगर ली अलजेब्रा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपस में इक्विवेलेंट होंगी, अगर वो आपस में इक्विवेलेंट हैं तो देन जो उसके ली ग्रुप्स के क्रॉसपॉन्डेंस जो हमारे पर रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपस में इक्विवेलेंट होंगी, यानी पाई वन स्मॉल पाई वन स्मॉल पाई टू जो आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ कैपिटल पाई वन एंड कैपिटल पाई टू आर इक्विवेलेंट। कैपिटल पाई वन कैपिटल पाई टू कहाँ से आ रहा है, ग्रुप्स में आ जा रहा है। स्मॉल पाई वन स्मॉल पाई टू कहाँ से आ रहा है, ली अलजेब्रा में से आ रहा है। इट मीन्स दैट अगर किसी ग्रुप्स की ली अलजेब्रा या किसी ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट है तो उसके क्रॉसपॉन्डेंस में जो ली अलजेब्रा है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो इसके अंदर ये स्टूडेंट कहा जा रहा है, इसी तरह अगर ली अलजेब्रा की रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट है तो उसके क्रॉसपॉन्डेंस जो ली ग्रुप होगा उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपस में इक्विवेलेंट होंगी, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो इस प्रोपोजिशन में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट कि सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट जी बी आर रियल ली अलजेब्रा एंड जी सी स्मॉल जी सी इट्स कम्प्लेक्सिफिकेशन। लेट देन एवरी फाइनाइट डिमेंशनल कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन स्मॉल पाई ऑफ जी स्मॉल जी हैज यूनिक एक्सटेंशन टू अ कम्प्लेक्स लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी सी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय स्मॉल पाई एंड गिवन बाय स्मॉल पाई इंटू कैपिटल एक्स प्लस अयोटा कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल पाई एक्स प्लस iota small pi y for all x comma y belong to g. Furthermore, small pi is irreducible as a representation of gc if and only if it is irreducible as representation of small g, right. To ye student hamare paas proposition thi, right. Ab iske baad next hum dekhte hain wo kya hai student. To isme student kya kaha ja raha hai, let g be a matrix lie group. G hamare paas ka ek matrix lie group hai. Let capital h be a hilbert space. Capital h kya hamare paas ek hilbert space hai. And let U of H जो है denote the group of unitary operator on G on H, यानी कि U हमारे पास क्या है, U of H एक हमारे पास ग्रुप है, denote the group of the unitary operators है on H के ऊपर। Then हमारे पास क्या है, a homomorphism capital pi from G से U of H is called unitary representation of G if capital pi satisfy the following continuity condition if इसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, ए एन कैपिटल ए एन ए बिलोंग टू जी एंड ए एन से कैपिटल ए एन से ए पर अपने मैप डिफाइन की, देन कैपिटल पाई ऑफ ए एन एट वी से कैपिटल पाई ऑफ ए इंटू वी, राइट, फॉर ऑल वी बिलोंग टू एच एंड यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन विद नो नॉन ट्रिवियल क्लोज्ड इनवेरिएंट सबस्पेस इज कॉल्ड अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन की कि हमारे पास यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ली ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारे पास अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और इसके अलावा जो है यूनिटरी रिप्रेजेंटेशन और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको आज हमने डिस्कस किया।
इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ली ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।